सना मकबूल और अरमान मलिक के बीच चल रही विवाद पर सना का पलटवार। बिग बॉस ओटीटी 3 की विनर सना मकबूल ने यूट्यूबर अरमान मलिक और उनकी दो पत्नियों पर की गई टिप्पणियों का जवाब देते हुए कहा, बिग बॉस में कही गई बातों को वहीं छोड़ देना चाहिए। उन्होंने मुझे बहुत कुछ कहा, लेकिन मैंने घर से बाहर आकर उन बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। सना ने अरमान मलिक को घेरते हुए कहा कि लोग भले ही उनकी दो पत्नियों को लेकर सवाल उठाएं, लेकिन जब पति पत्नी दोनों खुश हैं तो किसी तीसरे को दखल देने की जरूरत नहीं है। बिग बॉस ओटीटी 3 के दौरान लगातार आलोचनाओं के बावजूद विजेता बनने वाली सना ने कहा, मुझसे पूछा गया कि क्या अरमान अपनी दोनों पत्नियों में भेदभाव करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा यही कहा कि वे तीनों साथ में खुश हैं। तो जब मैं उनकी निजी जिंदगी पर टिप्पणी नहीं कर रही तो मुझे लगता है कि उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। गौरतलब है कि अरमान मलिक की पत्नियों कृतिका और पायल मलिक ने अपने यूट्यूब ब्लॉग में सना मकबूल को फेक और बिग बॉस ओटीटी 3 की फिक्स्ड बिनर बताया था। इसके बाद अरमान मलिक ने भी सना की फिटनेस को लेकर हो रही बातचीत को सना के बॉयफ्रेंड की ओर मोड़ दिया था। अरमान मलिक ने बिना नाम लिए कहा, जो लोग मेरी बॉडी शेमिंग कर रहे थे, मुझे थुलथुला बोल रहे थे, तो भाई जब मैं बाहर आता हूँ तो देखता हूँ कि उनके बॉयफ्रेंड ठीक है। भाई मैंने तो शादी कर ली, जो भी है तुमने क्या देखकर शादी करने का फैसला किया। सना मकबूल के बॉयफ्रेंड श्रीकांत, जिनका रंग दबा हुआ है, को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग हुई है। बिग बॉस हाउस से बाहर आते ही सना को श्रीकांत उनका इंतजार करते मिले थे। अरमान मलिक इस सीजन के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट में से एक थे और उनकी दोनों पत्नियों के साथ उनका रिश्ता भी खूब सुर्खियों में रहा। अरमान मलिक और विशाल पांडे के बीच का झगड़ा इस सीजन की मुख्य चर्चा का विषय रहा, जिसमें लव कटारिया भी शामिल थे। हालांकि लव इस मामले से बच निकले, लेकिन विशाल पांडे को अरमान का थप्पड़ खाना पड़ा। इस पूरे विवाद के बावजूद सना मकबूल ने शांत रहकर जवाब देने का रास्ता चुना और इसी वजह से वह दर्शकों के बीच लोकप्रिय बनी हुई है।